एक रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लक्ष्मी इसका नसीब है सबसे प्रेम साथ, ये है तकदीर का राजा। मम्मी पापा ये क्या हो रहा है? बेटा मैं तुम्हारे लिए लकी मैन का वीडियो लेकर आया हूँ, तो कैसा लगा तुम्हें बताओ? वैसे बेटा तुम्हारा लक अभी भी ठीक नहीं है, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। मैं इन लोगों को नहीं बता सकता कि मैं ही लकी मैन हूँ। मुझे समझ नहीं आता बेटा कि तुम्हारा लक कब ठीक होगा। मैं और तुम्हारे पापा लकी हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होता, है ना पापा? ये बात तो सही कही तुमने। मैं वो बात भुला नहीं सकती। ये बच्चा तो दिखने में ही अनलकी लग रहा है। ये तो तभी पता चलेगा जब ये पड़ा होगा। सही कहा, इसकी किस्मत हमेशा खराब रहेगी। अरे परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी पनौती तभी होती है जब मैं छुओ ना होता हूँ। तुम्हारी मम्मी रो रही है और तुम ये सब बातें कर रहे हो, ये सब बातें करना बंद करो। पापा मैंने तो कुछ नहीं कहा। बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये लॉकेट, इससे तुम्हारी पनौती दूर हो जाएगी। ध्यान रखना, तुम्हें ये रोज पहनना है, कभी मत उतारना। लो पहनो। पापा ये अजीब सी कीड़े मकोड़ों वाली लॉकेट। तुम तो एक से परेशान हो, मैंने तीन तीन पहने हैं, देख रहे हो ना? मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है। अरे मास्टर ये क्या, इतना अजीब सा लॉकेट, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी इसे फैशन समझ के पहन रहा हूँ, मैं उतार नहीं सकता ना, पापा ने दिया इसे, मैं तुम्हें भी अच्छा दिला सकता हूँ। आपको लगता है ये काम करेगा मास्टर? टीवी पर आजकल यही चीजें आती हैं, पता नहीं लोग क्यों खरीदते हैं। मुझे भी नहीं पता। मियोचान, मुझे मियो चैन ने कहा था हम गर्मी की छुट्टियों में छत में खेलेंगे। कहीं ये सब इस लॉकेट की वजह से तो नहीं हो रहा मास्टर? तुम्हें लगता है कि ये लॉकेट काम कर रहा है? चलो बढ़िया है। अगर कोई इस लॉकेट पर शक करे तो ये पूरी किस्मत में बदल जाता है। अरे छुओ ना, तुम कैसे हो? हेलो। तुमने एक लॉकेट पहना है, लड़के लॉकेट कहाँ पहनते हैं? लड़कियाँ तो फिर भी पहनती हैं, लेकिन लड़के नहीं पहनते हैं छोना। दरअसल बात ये है, मैं तो कभी भी ऐसे लड़के से बात नहीं करूँगी जो एक लॉकेट पहनता हो, लड़कियों की तरह, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस लॉकेट से मेरी पनौती दूर क्यों नहीं हुई? मैं इसे फेंक दूंगा। शांत हो जाइए, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है लॉकेट में कोई खराबी ना हो, बस आज आपका दिन अच्छा नहीं है। क्या सच में? और जहाँ तक बात है मियो चैन की, वो तो हमेशा ही अपने दोस्तों का मजाक उड़ाती रहती है, इसके लिए आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मियो चैन की आदत है और वो है ही ऐसी। तुम्हें मियो चैन के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो फिर आपका लॉकेट नकली है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये लॉकेट नकली कैसे हो सकता है। अरे अभी तो बताया था, अगर कोई इस लॉकेट पर शक करे तो ये बुरी किस्मत में बदल जाता है। अरे मेरी आंखों में लाइट कहाँ से पड़ रही है? अरे मेरे दोस्त, ऐसा क्यों हुआ मास्टर, आपको क्या लगता है? तुम भी तो वहीं थे, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है इस लॉकेट की वजह से मेरी पनौती और बढ़ गई है, मुझे जितनी जल्दी हो सके इसे फेंक देना चाहिए। इन्हें मेरी बताई लॉकेट वाली बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है इस बार नहीं बताऊंगा। अरे वो ऊपर देखो कौन है? सीढ़ियों से क्यों नहीं आ रहा? आ? आ?
गए लेकिन मैं नहीं। अरे मास्टर आपको चोट लगी क्या? नहीं मैं छुपन छुपाई खेल रहा हूँ। ओ फिर ठीक है। मैं इतना दुखी हूँ और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। किस्मत ही खराब है। रोना बन, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरे लॉकेट पहनने के बावजूद आप मेरे ऊपर गिर गए। मेरी पनौती तो बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप रोना बंद कर दीजिए। अरे रे मास्टर इतनी तेज मत चलाइए नहीं तो आपकी सांस फूल जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है फिर भी आपने ऐसा क्यों किया, बताएंगे? एक महीना पहले मैं एक कंपनी का मालिक था पर बैड लक की वजह से कंपनी डूब गई तो मुझे उसे चलाने के लिए कुछ पैसे उधार लेने पड़े और जिससे लिए वो एक एलियन था जो अपने पैसे वापस मांग रहा है। कितना नुकसान हुआ? पूरे 1 करोड़। 1 करोड़ का नुकसान तो बहुत ज्यादा है। सही कह रहे हो लेकिन क्या तुम लोग मुझे 1 करोड़ दे सकते हो? मेरी कंपनी कोई नहीं बचा सकता। कंपनी डूबने के बाद सब मुझे छोड़कर चले गए। उस एलियन के डर के मारे मैं घर भी नहीं जाता क्योंकि उसे पैसे चाहिए। मैं बहुत दुखी हूँ। मास्टर इनकी दुख भरी कहानी सुनकर मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं। काश मैं आपकी मदद कर पाता। अंकल जी क्या हुआ? ये आपके लिए है? शायद इछे पहन के आपका लक वापस आ जाए। तुम सच कह रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? इछे पहन के मेरी पनौती तो दूर हो गई, आपकी पनौती भी दूर हो जाएगी। सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं इसे जरूर पहनूंगा और मुसीबत दूर भगा दूंगा। जो इस पर विश्वास करता है उसकी जिंदगी में खुशियाँ वापस आ जाती हैं। तो क्या हुआ अगर ये लॉकेट मेरे सूट से मैच नहीं कर रहा? मैं तो फिर भी इसे पहनूंगा और लकी बन जाऊंगा। एक बात बताइए मास्टर, आपने अपना लकी लॉकेट उन्हें क्यों दे दिया? चुप रहो, मैंने छुटकारा पाने के लिए उन्हें दिया है ये। सुनो वत्स, तुम्हें इसका साथ देना होगा, इसकी विपदा को दूर करना होगा। मैं मदद कर चुका हूँ, मैंने अपना लकी लॉकेट उन्हें दे दिया और क्या चाहिए? और भी मदद करूँ क्या? मास्टर आप चाहे तो कर सकते हैं। मदद करने के लिए लकी मैन बनना पड़ेगा। अरे वाह क्या बात है मास्टर, मैं भी तैयार हूँ। अब मैं खाऊंगा ये लकी टॉफी। नहीं हूँ मैं पनौती, देता हूँ सबको चुनौती, खा के लकी टॉफी बन गया लकी मैन। टन टन, हर मुसीबत में साथ देता हूँ। मैं भी बनूंगा टोरियोको मैन। पहला मेरा जोश, दूसरी मेरी ताकत, 3-4 से मुझे मतलब नहीं, 5वीं मेरी हिम्मत, मैं हूँ डोरियोको मैन। लकी मैन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम मेरे सामने खड़े हो। ये लॉकेट तो मेरे लिए बहुत लकी है, मैं बहुत खुश हुआ। अरे तुम कौन हो? मुझे कोई भी नहीं जानता। यही मेरा घर है पर इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और वो एलियन अंदर ही है, इसलिए संभाल के जाना लकी मैन, ठीक है? उसके परेशान मत हो, हम आपकी मदद करेंगे। क्यों, मैंने सही कहा? परेशान मत हो, तुम भी मशहूर हो जाओगे, लकी मैन है तो क्या गम है। क्या आप सच कह रहे हैं मास्टर? इसका मतलब हुआ हर गली में मेरे पोस्टर होंगे, लोग मुझे जानेंगे, बच्चे मुझे देख कर खुश होंगे, सब जान जाएंगे कि मैं हूँ डोरियोको मैन। ये तो मेरी बातों से ज्यादा ही उत्साहित हो गया। जो कोई भी घर में है बाहर आ जाओ, लकी मैन आया है। क्या कहा लकी मैन? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। क्या तुम मुझे नहीं जानते? लेकिन तुम कौन हो? मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ, जब तक मुझे अपने पैसे नहीं मिल जाते मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। अच्छा तो ये बात है? हाँ यही बात है। आपकी वजह से ही उन्हें नुकसान हुआ था, क्यों, मैंने सही कहा ना? नुकसान मैंने उसे पहुंचाया था, लेकिन तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो, ये हमारे बीच की बात है। मैं समझ गया, लेकिन क्या हम लोग आराम से बात नहीं कर सकते? अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ? चाहते क्या हो? लकी मैन घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये लड़ाई तो ये जरूर हार जाएगा पाजी। लकी मैन इसको देखे के डर गया, लड़ाई क्या करेगा? ये सही कहा जी, न जाने आज क्या होगा। अगर
तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो। अरे मैं तो ये कह रहा था कि आपने नुकसान कराया, कोई बात नहीं, बात को खत्म कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छे आदमी है, इन्हें छोड़ दीजिए। पहले तुम सामने आकर बात करो। इस अनुबंध पत्र पर सारी शर्तें पहले से ही लिखी हुई हैं। तुम खुद ही देख लो, मैं दूसरे ग्रह पर रहता हूँ, मैं बार बार पैसे लेने के लिए यहाँ नहीं आऊँगा। उड़ने से मेरी बाजू में दर्द हो जाता है। अब हम लोग इसका मुकाबला कैसे करें? ये तो आपको पता होगा ना मास्टर। तो ठीक है, तैयार? मास्टर अच्छे से लड़िएगा। मैं तुम्हें कह रहा था तुम जाओ लड़ने के लिए। रुको रुको रुको, सीधी आंखें। लकी मैन से अच्छा, लकी मैन से बेहतर, सुपरस्टार मैन। ये तो गए काम से, अब कौन आएगा? लोगों को क्यों लगता है कि वो मेरे से बेहतर हैं? अब तुम जाओ। मास्टर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इसके काबिल समझा। पहले मुझसे बचो। अरे तुम बैठ क्यों गए? खड़े होकर मुकाबला करो। एक मिनट रुको, अपनी जिंदगी में पहली बार मैं किसी ताकतवर इंसान से मिला हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं, इस बारे में तुम क्या कहते हो? ऑटोग्राफ मिलेगा? आपको मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? अरे वाह, मैं इतनी जल्दी मैच्योर हो जाऊंगा मुझे नहीं पता था। अरे वाह, तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, तुम यहाँ पर अपनी स्टैंप भी लगा सकते हो। लाए होंगे? हाँ लाया हूँ ना, ये देखिए। बहुत बढ़िया। ये ऑटोग्राफ नहीं था, तुमने इस पर साइन करके बहुत बड़ी भूल की है। वो कैसे? कैसे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि तुम मुझसे कभी नहीं लड़ोगे। मैं शकिंतोरी मैन से कभी नहीं लड़ूंगा। साइन दोरियोकु मैन। अब जो होना था वो हो चुका, अभी होना बाकी है। चिल्लाना बंद करो। लोग अक्सर साइन करने से पहले ये नहीं देखते हैं कि कागज में लिखा क्या है। तुमने भी वही किया। अरे ये क्या किया मैंने? अरे क्या हो गया, उसे हराते क्यों नहीं? मास्टर मैं फंस गया, मैंने बिना पढ़े उस कागज पर साइन कर दिया। अब मैं उससे बिल्कुल नहीं लड़ सकता। आप लड़िए ना जाके। मतलब मेरी बारी। मुझे लगता है तुमने इन्हें बुलाकर बहुत बड़ी गलती की। ये बस हम दोनों के बीच की बात थी। मुझे माफ करना। तुम्हारे पास ये क्या है? ये लॉकेट मुझे चाहिए, समझे? मैं नहीं लूंगा इसको, मैं खुद ही ले लूंगा। ये मुझे मेरे अच्छे दोस्त ने दिया है। ये मेरे लिए बहुत लकी है, मुझे वापस कर दो। अच्छा तो ये लकी लॉकेट है, बहुत दिनों से मेरा लक भी खराब चल रहा है, तो ये लॉकेट मुझे रख लेना चाहिए, क्या कहते हो? रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वापस कर दो। इस लॉकेट को बस मैं ही रखूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, समझे? अरे वाह क्या बात है मास्टर, आप उसे हरा देंगे, बल्ले बल्ले बल्ले। सुपरस्टार मैन तो इससे हार गया और डोरियोको मैन लड़ नहीं सकता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ लकी मैन। तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। हम लकी, हुकी और मटका। तुम इसका क्या करोगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी भी समझ में नहीं आया, मैं इसे फेंक देता हूँ। अगर तुम्हें इससे कोई काम नहीं था तो ये मटका तुम यहाँ पर लाए क्यों, बताओ? बन गया, मुझे दर्द हो रहा है। और ये आवाज सुनी आपने पाजी? कैसी आवाज, हमको सुनाई नहीं दी। अये ये तो किसी के रोने की आवाज है जी। अरे जरा सुनिए, मैंने आपसे नूडल्स मंगवाए थे लेकिन आपने मुझे उसके साथ कोल्ड ड्रिंक नहीं दी थी। आपकी दुकान में ऐसा होता है क्या? बेटी मेरा दूसरा दुकान है। लकी मैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। लकी मैन ऑल द बेस्ट, लकी मैन ऑल द बेस्ट। अरे मियो जान देखो मैं जीत गया। ये सब हुआ सुपर स्टार मैन की वजह से। तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? देखो आज तक मुझसे कोई नहीं बच पाया, तुम बच सकते हो तो बचो। सब्जी काटोगे क्या? मास्टर मुझे कुछ काम याद आ गया। अच्छा तो तुम्हारे पास ये है, तो मेरे पास है अपनी लकी टोपी, मैं इसे बड़ा भी कर सकता हूँ। क्या तुम अपनी हार मानते हो? कभी नहीं। Ha 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 ha!
तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो, कहाँ गई तुम्हारी टोपी? अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे ये तो फिर से बड़ी हो गई। इसे काटने के बाद ये फिर से बढ़ जाती है, मुझे भी अभी भी पता चला है। ऐसी बात है, घबराओ मत, फिर से बड़ी हो जाएगी। मुझसे मजाक कर रहे हो? देखो फिर से बड़ी हो गई। देखो फिर से बड़ी हो गई। देखो फिर से बड़ी हो गई। कर क्या रहा है? क्या है? मुझे तो गुस्सा आ रहा है। अरे मुझे लगता है ये शाम तक चलेगी जी। जब तक हम खा रहे हैं तब तक आप लकी मैन का हौसला बढ़ाते रहिएगा। देखता हूँ। अरे कब तक यही करते रहोगे? तुम लोग कुछ नया क्यों नहीं करते हो? इसका कोई अंत नहीं है, क्या थोड़ी देर के लिए रुक जाएं? थक तो मैं भी गया हूँ, चलो कुछ नया करते हैं। इस बार मैं भी कुछ नया करूँगा, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। अरे ये तो बहुत तेजी से। क्या तुम उसे वहाँ से निकाल सकते हो? ये थी लकी किक। मतलब तुम जीत गए लकी मैन? अरे वाह मास्टर, क्या बात है, आपकी लकी किक ने तो इसे हरा दिया। क्यों हार गए ना? बहुत खुश हो रहे हो, मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, अब मेरे सुवार से बचकर दिखाना। अरे दूर हटाओ इसे। बोलती बंद हो गई ना तुम्हारी? इसके साथ लड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, अब मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये ठीक है, मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी लकी बीम का। लकी बीम। ये क्या है? मैं तो सच में बहुत लकी हूँ। ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लकी बीम। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे में बच पाऊंगा, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लॉकेट ने इसे बचा लिया। ये तो बहुत अच्छा लॉकेट है, ये तो मेरे लिए लकी साबित हुआ, अब मैं इसको कभी नहीं उतारूंगा। तुम नहीं बचोगे? इतना क्यों कांप रहे हो लकी मैन? फालतू के लालतू आई बला को डालतू। ご説明しましょう。テレビの前の皆様は覚えておいでだろうか。まあ幸運を呼ぶなんて信じてねえけど、ペンダントの力を疑ったおバカはかえって不幸になるということ。ペンダントの力とラッキーマンのラッキーが合わさり、天井に大きな丸を描いたのだ。さらにラッキーなことに、そこには家中の重たいものが集まっていたのだ。重たいやんか。いや今回はヘビー級のラッキーだったな。見応えありましたね。大盛りラーメンにチャーシューが10枚入ってたようなもんだな。ラッキー様、コングラチュレーション。ありがとうございました、ありがとうございました。頑張って明るく生きてください。ではさらばじゃ。マハラジャ。ありがとうラッキーマン、私はこのペンダントを信じて強く生きるよ。それにしてもあの少年はなんでこのような良いものをくれたんだろう。まったく天使のような少年だ。次のニュースです。埼玉県の鈴木さんの家の庭から1万バレルの石油と1万トンの金と1万カラットのダイヤと温泉が出ました。へえ、ラッキーな人もいるものね。では鈴木さんのお話をお聞きください。いやラッキーです。数日前ある少年に幸せを呼ぶペンダントをもらいましてね。どこかで聞いた話だな。それからもうつきまくっちゃって、ちなみにそのペンダントとはこれです。あ、あれはパパ、こないだのペンダントよ。ようちゃん、ようちぃ、これには深いわけが。お前あのペンダント人にやっちまったのか。あれがあればこの家からも金やダイヤが出たかもしれないのに。許してパパ、ママ本当についてね。
आंख बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा।